जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज यहां आपको लेकर के आए हैं जहां पर भोजपुरी कलाकारों के साथ हरियाणवी कलाकारों का एक महाकुंभ होने वाला है, जो कि पूर्वांचल की कई संस्थाएं मिलकर के एक कार्यक्रम, बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है इस ग्राउंड के अंदर। सेक्टर 37 में यह ग्राउंड है, पेट्रोल पंप के पीछे यहाँ पर यह कार्यक्रम होने वाला है। अधिक जानकारी हम आयोजकों से दिलवाते हैं। धन्यवाद। उसके बारे में बताइए दर्शकों। मैं वीरेंद्र यादव हलू नंबरदार जी, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ गुरुग्राम से जी। और कार्यक्रम जो है अपनी जो संस्था पूर्वांचल भाई जो सारे इकट्ठे होके, जो कि 5-6 संस्था इकट्ठी होकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं जी। जो विश्व मजदूर दिवस जो 1 मई को हमारे यहाँ प्रदेश में मनाया जाता है, कि विश्व में मनाया जाता है उनकी, तो भाइयों ने पहले भी कोविड से पहले भी एक प्रोग्राम किया था, वही बड़ा सक्सेस रहा है। और ये प्रोग्राम भी मुझे लगता है कि सक्सेस रहेगा और अच्छा रहेगा। ये सब भाई जो मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, मैं इनको शुभकामना देता हूँ। और मैं भी अपनी तरफ से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए वो सभी को निमंत्रण देता हूँ, चाहे कोई पूर्वांचल संस्था हो या कोई और संस्था हो, सभी को निमंत्रण देता हूँ वो यहाँ आए और भाइयों का सहयोग दे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका नाम जानना चाहूंगा और लगभग जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें कौन कौन से कलाकार किस राज्य से आने वाले हैं उनके बारे में बताएं। सबसे पहले तो जो सबसे बड़े स्टार है हमारे माननीय मनोज तिवारी जी आ रहे हैं जी। और न सिर्फ वो, हम लोगों के सिरमौर भी हैं और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और अभी सांसद भी हैं जी। हाँ, तो वो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और शिल्पी राज आ रही है, और लोक कुमार आ रहे हैं, अदिति राज आ रही है, और बहुत सारे बम्बई के ऐसे स्टार हैं, नाम लेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन वो 30 से 40 लोग तो बम्बई से आ रहे हैं। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, पहले दिन भोजपुरी का कार्यक्रम होगा, दूसरे दिन रागनी का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं, जो प्रवासी आए गुड़गांव में, हरियाणा में, तो इनके ये पूरे देश में मैसेज है, इस गुड़गांव से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। और आए और शीतला माँ के आंगन में उन्होंने अपना बिजनेस किया, अपना नौकरी किया और यहीं के होके रह गए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है इस गुड़गांव को साफ सुथरा रखने में, उतना ही जितना यहाँ के लोकल लोगों का बनता है। इसलिए हम इस दूरी को मिटाना चाहते हैं, हम आपसी भाईचारा का संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर लगभग कितने हजार लोगों के आने की उम्मीद इस कार्यक्रम? देखिए, हजार में तो लोग आएंगे, अभी ये कितनी हजार में आएंगे इसकी गिनती तो हम नहीं बता सकते। प्रशासन के लोग भी खड़े होंगे, इस आवाज़ को सुनेंगे, पर इतना प्रशासन से जरूर कहूंगा कि तादाद बहुत होगी और हमें परमिशन मिल चुका है। और कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे प्रशासन के लोगों से उम्मीद करता हूँ, वो लोग हमें सफल बनाने में सहयोग करेंगे। सिक्योरिटी की तरफ से हम लोग अपने तरफ से इंतजाम किए हैं, और हम माननीय कमिश्नर साहब को भी कल एक लेटर देने जा रहे हैं कि हमें विशेष व्यवस्था दिया जाए, कोई असामाजिक तत्व आके हमारे कार्यक्रम को वो अव्यवस्थित ना करें। सर ज्यादातर देखा गया है, जैसे कि आपने बताया कि सेकंड डे जो है वो रागनी का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो जो रागनी का कार्यक्रम होता है वो लगभग हरियाणा के लोगों की तरफ से किया जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूर्वांचल वासियों की तरफ से रागनी का कार्यक्रम हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम की विशेषता यही है, मैं लोगों में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो हम पूर्वांचल से आए हैं लेकिन रागनी का कार्यक्रम कर रहे हैं, और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आपको अगर पूंजी निवेश करना है, आना है, रहना है, आप गुड़गांव में आइए। और आगे चल के हम लोग इस गुड़गांव, पूरे गुड़गांव जिला को आदर्श जिला के लिए मांग करेंगे, इस कार्यक्रम से मांग उठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम और क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में, इसकी भव्यता के बारे में। देखिए, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं इस कार्यक्रम के जो कार्यक्रम का जो आयोजक है पूर्वांचल एकता मंच, उसका एक कार्यकर्ता हूँ। और कार्यक्रम भव्य होगा, नो डाउट कार्यक्रम बढ़िया होगा, आप सब लोगों के सहयोग से होगा, जो लोग दर्शक लोग आएंगे उनके सहयोग से होगा, पूर्वांचलियों के सहयोग से होगा और हरियाणा के लोगों के सहयोग से होगा। कार्यक्रम भव्य होगा, निश्चित रूप से भव्य होगा। सर लगभग आप ये बताएं कि कितने हजार लोगों के आने की उम्मीद रहेगी इस कार्यक्रम में? देखिए, 2019 में कार्यक्रम हुआ था, अच्छी खासी जनसंख्या में पब्लिक आई थी, इस बार भी आशा करते हैं। और क्योंकि मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है, मजदूर दिवस को हम मना रहे हैं इस कार्यक्रम के थ्रू, तो छुट्टी रहती है वहाँ पे, मोस्टली कंपनियों की छुट्टी रहती है, तो मजदूर लोग तो इकट्ठे होंगे ही, और गुड़गांव में प्रवासी मजदूर, पूर्वांचली मजदूर, हरियाणा के मजदूर सब लोग तो यहाँ पे है ही, और छुट्टी का दिन रहेगा तो वैसी मतलब जनसंख्या अच्छी आएगी, पब्लिक अच्छा यहाँ पे काउंट होगा। सर जानना चाहूंगा अजय जी आपसे कि जैसे हरियाणा के कद्दावर नेताओं को बुलाया जा रहा है, क्या पूर्वांचल वासी भोजपुरी के कुछ नेताओं को भी बुलाया गया है? बिल्कुल जी,
पूर्वांचल से मनोज तिवारी जी हैं। अच्छा। जो पूर्वांचल के नेता हैं और उसके बाद में आपके सिकरी साहब हैं जो सांसद हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जनार्दन सिंह सिकरीवाल। हाँ जी, जनार्दन सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। सर आपका नाम बताइए और क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है उसके बारे में कृपया बताइए। मेरा नाम रामनिवास यादव, मैं खेड़ के दौला मंडल अध्यक्ष भाजपा से हूँ और यहाँ पे विश्व मजदूर दिवस के रूप में हम एक हरियाणा और पूर्वांचल का एक मैत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें मेरी सभी मजदूर भाइयों से निवेदन भी है कि यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँच कर अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस कार्यक्रम का आनंद भी उठाएं। सर कौन कौन से कलाकार इस कार्यक्रम में आने वाले हैं? इसमें हमारे मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, हमारे हरियाणा के MD जी आ रहे हैं और एक अच्छे भव्य कार्यक्रम इसमें हम कर रहे हैं और मेरा सभी हरियाणा वासियों से भी और जितने भी हमारे पूर्वांचल के साथी रह रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर इसको भव्य बनाए और इसको यादगार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कृपया बताइए क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला, डेट बताइए क्या डेट रही? ये मेरा नाम अजय यादव है और ये प्रोग्राम 30 अप्रैल को और 1 मई का प्रोग्राम है। ये हरियाणा पूर्वांचल मैत्री प्रोग्राम है, ये मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। इसके अंदर काफ़ी जनसंख्या में बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं और इसके अंदर जो मुख्य अतिथि के तौर पे है वो सुधा बहन जी है और अपने OP धनखड़ जी है, ये मुख्य अतिथि के तौर पे आ रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर आपके मुख्य जो कलाकार हैं वो मनोज तिवारी जी हैं, हरियाणा की तरफ से मन्नू दीवाना है MD और शिल्पीराज जी हैं और निशा दुबे जी। कार्यक्रम का समय है 5 बजे के आसपास शुरू होगा और रात को 10 बजे तक का प्रोग्राम है ये। और इस कार्यक्रम ये सेक्टर 37 ग्राउंड है जो कि आपका 10A के सामने पड़ता है, इसी ग्राउंड में पिछली बार भी यही प्रोग्राम हुआ था और फिर दोबारा ये प्रोग्राम हो रहा है। सर क्या वजह है कि विश्व मजदूर दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? देखो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ पे दूर दूर से मजदूर आते हैं, काम करते हैं, तो उनके उपलक्ष्य के अंदर अभी उनकी एक समस्याएं जो भी है ताकि वो उस चीज़ को देखे इकट्ठे हो, तो इस वजह से प्रोग्राम को